Thanks a lot. Farewell. अच्छे आदमी थे जरी, अच्छा लगा उनके साथ में. हाँ यू बी हाय, गुड मॉर्निंग. आई एम अ यूट्यूबर. यूट्यूबर एंड आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया. आई एम हिचहाइकिंग जस्ट नाउ. आई एम कमिंग फ्रॉम रिचमंड वर्जीनिया इन अ ट्रक एंड आई हैव टू गो टू अटलांटा. सो कैन आई कम विद यू टू अटलांटा? No problem at all. Thank you very much. पीछे इस वक्त तीन ट्रक्स खड़े हैं, इनमें से एक्चुअली चार थे. एक जनाब थे, उनसे बात की, उन्होंने तो मना कर दिया था आपसे बात हुई थी. उसके बाद फिर एक लेडी थी, मतलब मैं ट्रक के पास में गया, पहुंचा तो देखा एक जो ड्राइवर हैं उसकी वो लेडी हैं. उन्होंने कहा आई कांट पिक यू, आई एम सॉरी. उन्होंने मना कर दिया पोलाइटली हंसते हुए. मैंने भी थैंक यू कहा, ऑल द बेस्ट कहा. बाकी जो दो ट्रक्स खड़े हुए हैं वो अंदर कोई है मगर पर्दे लगे हुए हैं, इसका मतलब वो लोग सो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी 10:30 हो रहे हैं. हो सकता है रात भर चले हों, तो मैं अब उनके पास में नहीं जा रहा हूँ. मैं फ़िलहाल आ गया हूँ इस रेस्ट एरिया में. अंदर जाऊँगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा और उसके बाद फिर आगे का हिसाब किताब देखता हूँ क्या करना है. कुछ और ट्रक्स वालों से बात करनी है या सामने कार्स खड़ी हुई हैं इनसे बात करनी है, देखता हूँ क्या करना है. अक्सर एयरपोर्ट्स वगैरह पर मैं पब्लिक टॉयलेट जब यूज़ करता हूँ तो आप लोग पूछते हैं स्टेशन वगैरह पे. रशिया में जैसे रेलवे स्टेशन पे मैंने पब्लिक टॉयलेट यूज़ की. फिर आप लोग पूछते हैं कि बैग वगैरह मैं कहाँ रखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये टॉयलेट्स कुछ ऐसी हैं जहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है. हालाँकि वो हैंडीकैप्स के लिए होती हैं, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए होती हैं, जैसे कि ये यहाँ पर स्पेस इतना ज़्यादा है, आप अपना बैग वगैरह अपना उसमें अंदर रख सकते हैं. और जो भी कार्यक्रम करना आप अंदर बैग को अंदर रख के आप कर सकते हैं. इन्होंने अपने पूरे के पूरे कपड़े ही चेंज किए हैं यहाँ पर. एक बात बताना चाहता था मैं आपको, हिचहाइकिंग करते हुए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है. क्योंकि आपको अपनी बातचीत में कम से कम समय में अपनी बातचीत करते हुए आपको जो हेल्प करने वाला है, जो गाड़ी वाला है, उसको एक कन्विंस करना है किसी तरीके से कि भैया आप मुझे ले चलो. कोई आपको क्यों लेके जाए उसको एक वजह देनी है. ये आप कैसे करते हैं ये आपको डिसाइड करना है, मगर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो किसी को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. उनमें से एक है कि आपका आप प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए. आप बहुत ख़राब अगर आप दिखेंगे तो शायद चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे. इसीलिए मैंने इस टॉयलेट में आके, मुझे अभी मौका मिला, मैंने इस पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करके ब्रश किया फटाफट और शेविंग कर ली है. और अब मैं, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेजेंटेबल शायद बन गया हूँ. कुछ और आपके पास में टिप्स हों तो बताइएगा मुझे कि कैसे मैं अपने आप को और प्रेजेंटेबल बना सकता हूँ हिच हाइकिंग करते हुए, मतलब कम से कम समय में, कम से कम रिसोर्सेज में. जाना बहुत पास में, सिर्फ 148 माइल्स दूर है अटलांटा यहाँ से. ये है रेस्ट एरिया, पीछे है टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर. और अब यहाँ मुझे लोगों से पूछना शुरू करना है कि भैया ले चलोगे क्या अपने साथ अटलांटा. आई एम सॉरी. Will take your pictures? Oh, it's for my YouTube channel. Oh, okay. Yeah, it's a travel channel. I'm from India. Oh, are you? So I'm hitchhiking all across the US. So I make YouTube videos. I'm coming from Boston. Oh, okay. Where are you headed now? What's that? Where are you headed now? Now I have to go to Atlanta. Probably I'll ask someone. Are you going there? I ain't going quite there, but I'm going that way. You're not going that way? I'm going that way, but I'm not going to Atlanta. So how far will you be at? Or else can you drop me to this next rest area? Please? Yeah. That would be possible. Yeah, point. Let me go back there and step up. Thanks a lot. I'll wait for you. Thank you very much. ये तो चमत्कार हो गया, मतलब हैरानी हो रही है मुझे. मैं आप लोगों से बात कर रहा था, ये जनाब पीछे से आ रहे थे और उन्होंने ऐसे कुछ पूछना शुरू किया, मुझे समझ में नहीं आया. मगर मुझे लगा कि मैं क्यों समझूँ इनकी बात, ये जो मुझे समझाना चाह रहे हैं. मैं अपनी बात बताता हूँ ना, मैं क्या चाहता हूँ, और मैंने बताया. और सीरियसली ये बड़ा फ़र्क पड़ता है. मुझे ऋषभ भाई बता रहे थे कल कि आप ना एक यूट्यूब वाली टी शर्ट बनवा लो, कि आपका यूट्यूब चैनल है, लोग थोड़ा दिलचस्पी लेते हैं यूट्यूब अगर लिखा होता है तो अब मैं पक्का वो करूँगा. और अगर आप कुछ हेल्प कर सकें, जैसे कि मैं माउंटेन ट्रैकर जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका लोगो चेंज करना चाहता हूँ, तो कुछ ऐसा लोगो अगर आप हेल्प कर सकें जो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो, जो मतलब टी शर्ट वगैरह पे बनाया जा सके और चैनल पे भी अच्छा सा लगे, जो भी है, मतलब सॉरी मुझे नहीं पता ज़्यादा. आप अगर बना सकते तो मुझे प्लीज़ मेल करिएगा. मेरा जो ईमेल एड्रेस है, बिजनेस ईमेल एड्रेस, वो चैनल के अबाउट में लिखा है, फिर भी मैं शेयर कर दूँ आपके साथ में, varun@tourist-helpline.com. प्लीज़ इस पर आप सिर्फ यही
इसी से जुड़ी हुई चीज़ें आप मुझे मेल करें, सवाल पूछेंगे तो उनके जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। सवालों के लिए प्लीज़ आप टूरिस्ट हेल्पलाइन का जो फेसबुक ग्रुप है उसका यूज़ करें। तो मैं एक आपसे हेल्प मांग रहा हूँ, अगर आप एक लोगो डिज़ाइन कर सकें मेरे चैनल के लिए, अगर बना सकें तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आज मैंने फील किया वाकई में ये चीज़ मैटर करती है। इन्होंने देखो कैमरा देखा, मैं कैमरा से बात कर रहा था और इसी से काम बन गया। वाओ, एक टूथब्रश ने और एक शेविंग रेजर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। काफ़ी भारी हो रहा था, इसको मैंने नीचे रख दिया। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था बैग्स के बारे में। एक्चुअली इस बार मैं एक अलग तरह का बैग लेकर आया हूँ। ये है, और ये है केशुआ का बैग। और आपने देखा था स्पिति वाले ट्रिप में मैंने डिकैथलॉन से एक जैकेट ली थी केशुआ की। इस बार एक्चुअली क्या है कि घूमते हुए ना, ट्रिप्स करते हुए बहुत ज़रूरी है आपके पास में चीज़ें वो होनी चाहिए जो एक्चुअली आपके ट्रिप्स को आसान बना सकें। केशुआ का बैग है जो मैंने डिकैथलॉन से लिया था हावड़ा से, और बड़ा ख़ास तरह का ये, इसको आप कह सकते हैं ये बैकपैकर्स के लिए बना हुआ है ख़ास तौर पे। इसका नाम है और लिंक भी शेयर करूँगा। लिंक इसलिए शेयर करूँगा क्योंकि डिकैथलॉन के साथ में पार्टनरशिप मिली थी, जैसे booking.com के साथ में मिली थी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप डिकैथलॉन से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो जो लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा उससे आप ऑर्डर करेंगे तो डिकैथलॉन को जो अर्निंग्स होती हैं उसमें से ज़रा सी कमीशन वो मुझे देता है क्योंकि मैंने डिकैथलॉन को कस्टमर दिया है। तो खैर, ये इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। इस बार मैं बड़ी खास तरह की शर्ट्स लाया हूँ, खास तरह की ट्राउजर्स लेकर आया हूँ जो महंगी हैं मगर बहुत ज़्यादा काम की साबित हो सकती हैं। वो जनाब सामने आ गए हैं और अब मैं तैयार हूँ अगले रेस्ट एरिया तक जाने के लिए इनके साथ। एंड आई एम रियली सरप्राइज, टिल नाउ आई हैव बीन वेटिंग फॉर 8 hours, 6 hours इन USA टू गेट द लिफ्ट, एंड टुडे गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रक एंड आई जस्ट वेंट इनसाइड, एंड व्हेन आई वाज कमिंग आउट यू जस्ट Look out, little poodle dog. He ain't gonna bite you. He'll leave. He may want you painted. He needs a dog. Dog? Yeah. So is it okay? Yeah, yeah. Okay. Are you recording all the time? Yeah, I keep recording. Oh, so it's a live page? No, it's not live. Oh, okay. I'm just recording. And is it okay? Yeah. If you are in the... All right. Yeah, that's fine. Okay, all right. Mine is a YouTube channel. Basically, I'm from India. Yeah. My name is Varun, and I'm just traveling. I usually prefer to hitchhike, and I stay with locals. If you have you heard about couch surfing? Uh-huh. Couch surfing is a concept where you get to stay with locals. There are thousands, in fact, millions of members around the world. So it's okay. I don't mind. Bye. Okay. Bye then. और मैं हूँ जनाब एलन के साथ। थैंक्स टू एलन, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी और हम लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने मुझे अपना ट्रक दिखाया अभी। एक्चुअली इनका ये घर है, चलता फिरता घर है इनका। ये क्यों है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर उनका टीवी लगा हुआ है, नीचे इन्होंने ये लगाया हुआ है। यहाँ इनका टेलीविजन, इधर माइक्रोवेव ओवन लगा हुआ है। व्हाट इज दिस? दैट्स माय ड्रेसर, माय क्लोथिंग। ऑलराइट, यहाँ पर इनके कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर है, एंड यहाँ पर भी कुछ ड्रॉवर्स हैं, और ये है उनका बेड। इतना लंबा चौड़ा बेड है और बहुत कंफर्टेबल है। स्पीकर्स लगे हुए हैं वहाँ पर ऊपर उस तरफ, टेलीविजन ये प्ले कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, यहाँ से वाईफाई के थ्रू ऊपर वहाँ पर। अभी क्या करते हैं, इनका अपना घर नहीं है, यही इनका घर है, इसी में रहते हैं ये हमेशा। और इन्होंने बताया कि बहुत सारे अमेरिकन्स दे स्टे लाइक दिस, उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल, अल्टरनेटिव वे ऑफ लिविंग है ये। कहते हैं कि जब मेरे को सामान मिलता तो मैं उससे पीछे लाता हूँ, दिस इज हाउ ही अर्न्स। जिस भी जगह का सामान मिल जाए चल पड़ते हैं। बहुत सारे ट्रक्स ऐसे हैं यहाँ पर के हिसाब से जो लोग इस तरीके से रहते हैं यहाँ USA में। क्या ज़रूरत है एक घर ऐसा खरीदने की जो एक ही जगह पर टिका रहा है और आप अपनी सारी ज़िंदगी वहीं पर बिता दो। काश इंडिया में भी वो कॉन्सेप्ट आए और मैं अपना घर कुछ ऐसा बना सकूँ, चलता फिरता हो। क्या चाहिए, इतना कंफर्टेबल है ये। और ये है इनका प्यारा सा पेट, इसका नाम है, व्हाट्स द नेम ऑफ योर पेट? मॉली। इनको पता है कि इनकी बातें हो रही हैं तो इन्होंने पूंछ हिलानी शुरू कर दी है। आई सेड दैट दिस इज द वे ऑफ
living, many people have adapted in USA. Yeah. And I really dream of doing this in India. But we don't have any option as of now. अपनी फैमिली के साथ में मिलते हैं जनाब कभी कभी बता रहे थे कि थैंक्स गिविंग डे था 24 नवंबर 24 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे होता है हर साल यहाँ पर जब सब लोग अपने परिवार के साथ में इकट्ठे होते हैं और ख़ास बात ये है कि इनका बर्थडे है 22 मई 22 मई को बर्थडे का आने वाला है तो उन्होंने कहा कि 7 दिन के बाद मेरा बर्थडे है सो ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन ऑन माई चैनल एंड दो whoever is watching this video I wish you a very happy birthday in advance virginia se lekar yahan tak main aaya tha volvo truck mein ye hai western star ek device laga hua hai jo ye satellite se connected hai aur yahan par ek application hai jo ye batati hai ki aapko abhi kitne ghante chalna hai aaj और कितने घंटे आपको अलाउड है बेसिकली 11 घंटे ही अलाउड होता है ये एक्चुअली इसलिए कि रोड पे एक्सीडेंट्स कम से कम हो थकान में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो उनसे बचने के लिए इस तरह की एप्लीकेशन सरकार ने एक सिस्टम बनाया और अगर आप इसको इससे ज़्यादा आप करते हैं तो फिर टिकट इशू हो जाती है और फिर वो आपको भरना पड़ता है जो कि बहुत भारी होता है इस एप्लीकेशन को ट्रैक किया हुआ है इस सिस्टम के साथ में अच्छा है हम अपनी सड़कों को और हाईवेज को इस तरह के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके सेफ बना सकते हैं वाओ इफ यू कैरी अ बॉम्ब और एनीथिंग इट्स गोइंग टू टेक यू एंड इज इट लाइक नेसेसरी फॉर एवरीवन टू गो पास थ्रू दिस मेंटोर जो अभी मैंने आपको दिखाया और जनाब ने जो बताया इसके बारे में ये जो था ये एक्चुअली एक सिस्टम था जैसे थाईलैंड में हमने देखा था एक कि ऑटोमेटिकली ट्रक गुजरता है एक वे स्केल के ऊपर से एक मशीन के ऊपर से और आप ट्रक का वज़न पता चल जाता है कि ओवरलोडेड तो नहीं है मगर यहाँ तो कुछ और एडवांस सिस्टम था आपका ट्रक का वज़न तो पता चल ही जाता है साथ में एक मशीन है जो एक्सरेज के थ्रू स्कैन कर लेती है कि आपके ट्रक के अंदर कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ तो नहीं कोई बॉम्ब या कुछ ऐसा तो नहीं है आपके ट्रक के अंदर तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया थोड़ा सा ज़रा आप अगर देख रहे हैं तो हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह से बन जाए तो बहुत अच्छा है काफ़ी सारा ट्रैफिक जाम हम बचा सकेंगे अपने देश में इससे जनाब एलन बता रहे हैं कि मैं पहला इंडियन हूँ जिनके साथ में ये आज इस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं अदरवाइज़ ये अभी तक देखे ज़रूर थे बहुत सारे गुजरे थे ऐसे ही आते जाते बट इस तरीके से मुलाकात मैं एक पहला इंडियन हूँ और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं इनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब रहा इंडिया का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जनाब बता रहे हैं कि आगे एक तूफान आ रहा है वो सामने बहुत ज़बरदस्त बारिश नजर आ रही है Yeah, but I can't. I shouldn't say anything about something which I don't know of, which I haven't experienced. बहुत सारी बातें हुई थी कुछ राजनीति के बारे में सियासत के बारे में भी बातें हुई जो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ नहीं होनी चाहिए बट उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आप कर सकते हैं थोड़ा सा फिर भी आप कोशिश करें कि हम इससे बच सकें तो अच्छा है क्योंकि हम घुमक्कड़ लोग हैं हमें राजनीति में कभी बढ़ना चाहिए जब उसका फ़ायदा हो अननेसेसरी की बकवास करने का कोई फ़ायदा नहीं है उससे अपना नुकसान ही होता है तो अब मुझे यहाँ उतरना होगा इनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना है मोबाइल अपना रख लिया है चीज़ें अपनी सिक्योर कर ली हैं सो आई एम गेटिंग डाउन हियर थैंक्स अ लॉट थैंक यू वेरी मच सो नाइस बी सेफ या श्योर श्योर थैंक यू वेरी मच ऐसे उतरना होता है ट्रक से हमेशा ख्याल रखें बहुत बहुत शुक्रिया एलन भाई आपका अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबटाइटल्स डाले हैं मैंने आपके लिए
जनाब 12:50 हो गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं एक और गाड़ी में सवार हो चुका हूँ और जैसा कि आप एक और चीज़ देख रहे हैं हमारे एक जाने पहचाने से जनाब नज़र आ रहे हैं तो जिन इतनी देर से मैं जिनका नाम ले रहा था भाईजान हमारे साथ हैं राहुल जी तो अब मैं इनके साथ में जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी हम जा रहे हैं अटलांटा अटलांटा कितना अच्छा लगा ना हिंदी सुन के किसी के मुँह से बट अच्छी बात यह है कि यहाँ US ट्रिप में एक तो इंग्लिश में बात हो रही है सब लोगों से मुझे गूगल ट्रांसलेट नहीं देखना पड़ रहा और दूसरी बात हिंदी में बात करने वाले लोग भी मिल रहे हैं तो जनाब राहुल जी वो शख्स हैं जिसके बारे में जिनके बारे में मैंने आपसे अभी तक बहुत सारी बातें की हैं बहुत सारी चीज़ें हुई इस पूरे ट्रिप में और बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो गई और जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई तो ऐसे में फिर मदद की ज़रूरत थी तो जनाब ने मेरी काफ़ी हेल्प की जिसके बाद अच्छा और अच्छी बात पता है क्या ये है कि एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को समझ सकता है कि पहली बार आया है इसके दिमाग में सारे वही सवाल होंगे जो मेरे दिमाग में थे बिल्कुल तो उसी अंदाज में समझाता है तो मेरे साथ तो बहुत ही था एक साल तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी अच्छा ये मेरे पास 2013 में बहुत साथ ही है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं राहुल भाई के घर पे सामान रख दिया सारा मतलब एक बैग रख के आ गया हूँ और आ गए हैं चिपोटले मेरा चिपोटले इसे इंट्रोड्यूस कराया था जनाब राहुल भाई ने और अभी खास बात बताऊँ भाई अभी एक चीज़ पता चली और ये एक दिल्ली वाला ही बता सकता है दूसरे दिल्ली वाले को एक बात बताई इन्होंने ये एक्चुअली कुछ कमर्शियल एरियाज है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं मॉल्स वगैरह बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पार्किंग की तो भाईजान बता रहे हैं कि यहाँ पर जब आप गाड़ी पार्क करेंगे ना तो हमारी तरह दिल्ली में जैसे आपको पैसे देने पड़ते हैं इन सब चीज़ों के लिए और पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल 50-50, 100-100 रुपये ले लेते हैं कम वक्त कहते हैं यहाँ फ्री है और सीरियसली मेरे लिए बड़ी मैटर करती है ये चीज़ कि अगर पार्किंग फ्री मिल जाए ना तो मैं 1 किलोमीटर भी खड़े करके आ जाऊँगा नहीं मैं बंद कर अच्छा मैं अंदर जा रहा हूँ अब जरा इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ ये है चिपोटली और CNN का हेडक्वार्टर अरे गजब ये तो बड़ा लंबा चौड़ा एलिवेटर ओ माय गॉड ओ भाई साहब ओ बेटे अलग अलग पे चलते हैं अच्छा और यहाँ पर बच्चा लोग पार्टी मना रहा है वाओ इसको बोलते हैं भाई साहब स्वर्ग की सीढ़ी नहीं वो बात नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं अच्छा ठीक है आप लड़ रहे हैं यार खामो ना यार दो भी है ठीक है और उस तरफ है हेडक्वार्टर वो लंबी सी इमारत है और ऊपर है कोका कोला वैसे एक बात बता दूं कोका कोला आपकी सेहत के लिए हानिकारक है अरे सही में चक्कर आ रहे हैं अरे यार